दाऊद के रिश्तेदार इकबाल कासकर के करीबियों की शादी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाते हैं, मगर इन पर कार्रवाई नहीं होती, ये दुखद है। इस शादी में इंटेलिजेंस विभाग के पुलिस अधिकारी भी थे जिन पर कार्रवाई की जाती है, ये कैसे न्याय? ये सवाल विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने किया। इस मामले पर उन्होंने उपसभापति पर सवाल खड़े करते हुए विरोधियों का आवाज दबाने की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरीश महाजन, त्यांचे आमदार जीवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप, सीमाताई हिरे असे सहभागी असलेले एक लग्न जे दाऊद इब्राहिमच्या सक्का भाऊ असलेल्या इकबाल कासकरच्या एकदम घरातलं लग्न, आणि या लग्नाला हे मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हजर होते। त्यांचा जेवतानाचा फोटो मीडियामध्ये आलेला आहे, माझ्याजवळ पण उपलब्ध आहे। आणि या विषयावर चर्चा होत असताना एकीकडे काल परवाच्या दिवशी एक शिवसेनेचे पदाधिकारी असणारे सुधाकर बडगुजर आणि सलीम कुत्ता, आता सलीम कुत्ताच्या विषय वेगवेगळ्या पद्धतीनं बातम्या येतात, त्याच्या मी डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु त्यांनी या फेटाळलेल्या असताना या लग्नाला हे लोक हजर होते याचे फोटो आहेत। याच्यावर सभापती आमची भूमिका ऐकून घ्यायला तयार नाही, अतिशय एककल्लीपणे सभागृह चालवलं जात असताना पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्र्यांनी येऊन एक खुलासा केला की शेरे खातीब यांच्या आमंत्रणाने लग्नाला गेलो होतो। ही पत्रिका रातोरात बदललेली आहे, शेरे खातीब यांच्या ऐवजी कासकरांच्या आमंत्रणावरून हे सगळे लोक लग्नाला गेले होते। म्हणजे हे सरकार दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकांना सपोर्ट करतं, दाऊदचं साथ देतं, दाऊदच्या नातेवाईकाला साथ देतं। एकीकडं इकबाल मिर्चीबरोबर व्यवहार करणारे प्रफुल्ल पटेल यांना चालतात, एकीकडं दाऊदशी ट्रान्झॅक्शन असणारे नवाब मलिकांची बाजू हे सरकार घेतं, आणि ज्यावेळेस आमच्यासोबत होते त्यावेळेस हे देशद्रोही होते। मी त्याच्या ह्याच्यात न जाता सभागृहामध्ये ज्या पद्धतीनं दाऊदच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला भारतीय जनता पार्टीचे लोक हजर आहे, भारतीय जनता पार्टीचा दुटप्पीपणा समोर आला पाहिजे। एकीकडे भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, आमदार अशा पद्धतीनं या लग्न समारंभात दाऊदच्या नातेवाईकाच्या सहभागी होतात, आणि असं असताना सभागृहामध्ये कोणत्याही सदस्यांना, मग भाई असतील, अनिल परब साहेब असतील, बंटी पाटील साहेब असतील, एकनाथराव खडसे साहेब असतील, यांना बोलू न देतं। खरं तर 289 हा विरोधी पक्षाचा अधिकार असताना समोरच्या मंत्री, ज्या मंत्र्याचा याच्याशी संबंध नाही, त्यांना बोलायला सभापती देतात, याचा अर्थ सभापती नियमाप्रमाणे या सभागृहाचं कामकाज चालू देत नाही। आता माननीय अनिल परब साहेबांनी पॉईंट ऑफ प्रोसिजर, पॉईंट ऑफ कामकाजाचा विषय मुद्दा उपस्थित केला, परंतु याच्यावर सुद्धा सभापती बोलू देत नाही, एकांगीपणे सभागृह चालवतात। आणि दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला हजर असलेल्या लोकांना बोलण्याची संधी देतात, याचाच अर्थ दाऊद इब्राहिमला साथ देणाऱ्यांचं या ठिकाणी सहकार्य केलं जातं, आणि आम्ही याविषय प्रश्न विचारत होतो, आम्हाला प्रश्न विचारला देत नाही, अशा प्रकारची स्थिती आहे। आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी, महाविकास आघाडीच्या आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी आज सभागृहाच्या कामकाजाचा आत्ताच्या घडीला बहिष्कार घातलेला आहे। वही भाई जगतापने इस विषय पर खुलासा करते हुए जांच की मांग की है। बाइट भाई जगताप, कैमरा पर्सन मोहड़ के साथ में प्रकाश शुक्लावार की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज के लिए। कॉर्पोरेटर सारे मौजूद थे उस शादी में, खाना खाते हुए पाए गए, ये सारे जितने भी ये फोटोज है ये वहाँ के रियल फोटोज है। और ये शादी दाऊद इब्राहिम का, दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर के नज़दीकी फैमिली की शादी थी। अब ये बताया जा रहा है, और दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का, खास करके उपमुख्यमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर आके ये कहते हैं कि ये वो शादी नहीं थी, कोई खतीब नाम के हमारे जो नासिक के एक मौलवी है उनके रिश्ते में शादी थी, ऐसा नहीं है। एक रात में ये इनविटेशन जो है वो बदली किया गया, और ये जो आप देख रहे हैं वो सामने जो सारे लोग दिखाई दे रहे, वो दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर के रिश्ते में वो शादी थी, ये सब लोग जानते हैं। पर इसके खिलाफ ये 289 हमारा आयुध होता है, विरोधी पार्टी का आयुध होता है। उस आयुध के माध्यम से जब विरोधी पक्ष नेता दानवे साहब ने ये मुद्दा उठाया,
बंटी पाटिल जी ने इस मुद्दे को सपोर्ट किया, अनिल परब जी ने मुद्दे को सपोर्ट किया और खड़से साहब ने, एकनाथ खड़से जो मंत्री रहे उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमें किसी को, मैंने जब हमने परमिशन मांगी, हमें किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये बिल्कुल गैरकानूनी है। सभापति महोदया जो पीठासन अधिकारी जिसको हम कहते हैं, वो किसी पार्टी की नहीं होती। ये हमारे संविधान की तोहीन है, ये संविधान का इंसल्ट है कि वहाँ बैठा हुआ जो भी कोई ये हो, चाहे वो महिला हो, चाहे सभापति हो, उपसभापति हो, इस तरह से जो सदस्य है उनकी आवाज़ वो दबा नहीं सकते। और हमारी आवाज़ तो दबाई और सामने वाले हाथ उठा रहे, उनको चुन चुन के उनको कह रहे आप बोलो आप बोलो, तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बात और है इसमें जो बंटी पाटिल भी आपको अवगत करेंगे मराठी में, लेकिन मैं हिंदी में भी बताना चाहता हूँ। मान लो एक मिनट के लिए खतीब साहब का संबंध दाऊद के साथ कोई भी नहीं है, हमें पता नहीं है कि है नहीं, हमें पता नहीं, जो बताया गया उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो शादी में आईबी के लोग क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो देश का, उनके अधिकारी उसमें उस शादी में क्या कर रहे थे? उस शादी में जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, क्यों हुई, क्यों हुई? अगर ये शादी वो नहीं थी जो वो कह रहे हैं, तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों हुई? और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है और मंत्री बैठे हैं वहाँ, आमदार बैठे हैं, कॉरपोरेटर बैठे हैं भाजपा के, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये हमारा सवाल था, लेकिन हमें कोई भी सवाल उठाने नहीं दिया। हमें हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश, दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि सदन की जो हमारे ये है सभापति महोदया, वो कर रही है और इसके ऊपर हमने बायकॉट किया है आज पूरा दिन हमने बायकॉट किया है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज है, इस तरह से कामकाज हमने देखा नहीं। मैंने 20 साल निचले सदन से ऊपर के सदन में मैंने काम किया है, हमें से सारे लोगों ने 15-15, 20-20 साल काम किया है। ये इस तरह की दादागिरी पीठासन अधिकारी वहाँ से कभी भी नहीं कर सकते और वो गैरकानूनी है। तो वो भी बात हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये मनमानी जो चल रही है सभापति महोदया की, विरोधियों का आवाज़ जो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और गलत जो बात है वो रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने ये आवाज़ उठाई है और आपके माध्यम से हम आप बताना चाहो। जब इस चर्चा में यही हमारे सवाल थे कि भाई इसकी SIT अलग मुद्दे में थी, इस मुद्दे में नहीं थी, हमारा ये कहना था कि इसकी पूरी तहकीकात हो। ये जो गलत सलत सदन में लाके बताया जा रहा है जो कि गलत है, अगर एक मौलवी है उनके शादी में बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और ये सर्टिफिकेट अगर सरकार दे रही है कि इनका दाऊद से कोई संबंध नहीं, तो IB के अधिकारी उस विवाह में, उस मैरिज इसमें प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, उस मैरिज में पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? अगर वो दाऊद के रिश्तेदार नहीं थे और दाऊद से उनका कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या कर रहे थे? तो इसका मतलब ये ही होता है जैसा विरोधी पक्ष नेता अंबादास जी ने कहा, एक रात में वो जो इनविटेशन कार्ड था वो बदली किया गया और उसमें ये नाम डलवाया गया, ऐसा हमारा सिर्फ आरोप नहीं, हमारे पास वो सारे प्रूफ भी हैं। तो ये इस मुद्दे को लेके सदन में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, और ख़ास करके सभापति महोदया जिस प्रकार से विरोधियों का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही थी, उसका हमने निषेध करके हमने पूरे दिन का बायकॉट किया है आज सारे विरोधी पक्ष ने।